हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस क्रीमी मशरूम की रेसिपी लेकर आई हूँ। आसानी से बहुत कम टाइम में बन जाती है और खाने में भी बढ़िया लगता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम 1 टेबलस्पून बटर डाल के बटर को मेल्ट होने देंगे। 400 ग्राम मशरूम्स को अच्छे से क्लीन करके हाफ में ऐसे बड़े साइजेस में काट के ले ली हूँ। बटर मेल्ट होते ही मशरूम्स को डालेंगे और साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ लहसुन, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, जरा सा नमक। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में मशरूम्स को पूरी तरह से पकने तक कुक करेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा। कुछ ही मिनटों में आप देख सकते हैं मशरूम में से सारा पानी ड्राई होके मशरूम भी पूरी तरह से पक चुका है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और उस सेम पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म होते ही 1 मीडियम साइज प्याज फाइनली चॉप किया हुआ डालेंगे। मीडियम फ्लेम में प्याज हल्का सॉफ्ट होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए, प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है। इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून मैदा और पूरा लो फ्लेम में 5 से 7 सेकंड्स हम इस मैदा को थोड़ा सा भून लेंगे। लगातार चलाते रहिएगा इस टाइम पे। और फिर जो मशरूम्स हमने कुक करके रखे थे उसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर डाल देंगे 1 टीस्पून ऑरेगानो, 1 टीस्पून पेरी पेरी पाउडर, मिक्स कर लेंगे अच्छे से थोड़ा सा। फिर इसमें जाएगा 1 कप फ्रेश क्रीम और साथ ही में 1/2 कप पानी। सब कुछ अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम पूरा लो करके कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको पकाने के। यहाँ पे मैं लिड खोल रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू के साथ, दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और रेडी हो गया हमारा क्रीमी मशरूम। थोड़े से चॉप धनिया के पत्ते डाल के इसको गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। ये एक मस्ट ट्राई रेसिपी है, खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो ट्राई जरूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिख के बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।